इज़ वेलकम टू द माई चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आया हूँ फंकमडम, जो कि कुछ साल पहले बंद हो चुका था, बट अभी ये होने वाला रीओपन। सालों के लिए बहुत टाइम पहले बंद हो गया था, बट ये अभी रीओपन होने वाला है। तो आप देखिए कितना अच्छा हो गया पहले से। पहले काफ़ी वीरान लगता था, कोई आता भी नहीं था इस रोड पर। अभी इतना अच्छा हो गया कि जयपुर में जो भी सभी लोग रहते हैं वो अब यहीं पर आएंगे मोस्टली, क्योंकि पिंकपल बहुत दूर पड़ता है आने जाने के लिए। सबसे पास में यही है फंकमडम। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रोलर कोस्टर हो गए, सभी चीज़ अवेलेबल है। तो गाइस आप देख सकते हैं फंकमडम फाइनली ओपन होने वाला है। अब हम मिलते हैं इन भैया से। भैया ये कितने टाइम से चल रहा है यहाँ पे इसका काम? 2 महीने से। 2 महीने से चल रहा है? हाँ। तो कब तक चल जाएगा यहाँ पे, मतलब ये बन के रेडी कब तक हो जाएगा? अब देखो, दो महीने की बता रहे हैं लोग, 2 महीने लगेंगे। यहाँ का पहले से काफ़ी बहुत अच्छा कर दिया है। पहले तो अंकल काफ़ी वीरान था यहाँ पे, कोई आता जाता भी नहीं था। आप तो इधर रोड और बन जाओगे ना, यहाँ पे रोड ही बन जाएगी यहाँ से। कहाँ से? अच्छा यहाँ से, इसके लिए मतलब रोड बनेगा। चलो अंकल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सभी दोस्तों को बताने के लिए। अच्छा अच्छा पहले कहीं नहीं बनाया। अच्छा और अब भी यही बनाएंगे? अच्छा अभी भी यही बनाएंगे। तो कम से कम 2 महीने में चल जाएगा, ओपन हो जाएगा। ये फंकमडम का B2 बाईपास वाला गेट है, आप देख सकते हैं ये साइड का व्यू उसका। अब हम अंदर की तरफ चलेंगे, अब मैं आपको अंदर की वीडियो दिखाता हूँ। तक ओपन होता है ये, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मेरे सभी लोगों को, मुझे भी बहुत ज़्यादा है। आई होप जल्दी हो जाए। अंकल से बात हुई, अंकल बोले कम से कम 2 महीने लगेंगे ओपन होने में। देखते हैं, मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ पे अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बट दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि अंकल ने साफ क्लियरली मना कर दिया है दिखाने के लिए कि वीडियो बनाने भी अलाउड नहीं है। तो गाइज़ थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।